सो व्हाट्स अप गाइस, तो एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे है और पिशावर में हम मौजूद हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आज हम आप लोगों को कुछ हिस्टोरिकल मास्क में ले जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे पिशावर के कुछ हिस्टोरिकल मास्क है और आप लोगों को उसकी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बताएंगे जहाँ हम विजिट करने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। चलो धूप भी बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी वीकेंड है और सैटरडे है तो मतलब हम जाएंगे जरूर। अच्छा, तो ये बाहर के मनाजिर है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों को इलाइट बैंक और 7-Eleven जो कि एक रेस्टोरेंट है आप लोगों को मिल जाएगा। राइट साइड पे आप लोगों को कैप्टन तनवीर शहीद चौक मिल जाएगी और आप लोगों को यहाँ पर KTH भी मिल जाएगा। सामने आप लोगों को BRT स्टेशन दिख रहा है जिस पर आप लोग आ सकते हो आसानी से और यहाँ पर आप लोगों को पिशावर ज़ू दिख जाएगा। ये मस्जिद वाइट पेंट हुआ है इसलिए इसको स्पिन जुमात कहते हैं। इस मस्जिद पर आप लोगों को एक बड़ा मीनार और दो छोटे मीनार मिल जाएंगी। इस मस्जिद की आर्किटेक्चर कमाल की है इसलिए इसे वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क इन पिशावर भी कहा जाता है। As I look to nature's beauty, dazzle them I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allah الذي يهدي جميعا الله الذي نعتز به جميعا। अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं मेट्रो में, इंशाल्लाह हम जाएंगे सुनहरी मस्जिद। अभी हम सदर आ गए हैं और सुनहरी मस्जिद के सामने आप लोगों को लियाकत बाज़ार दिख जाएगा और इसके साथ साथ आप लोगों को ये बड़ा मीनार भी दिख जाएगा। इसके साथ आप लोगों को सुनहरी मस्जिद की कॉलोनी दिख जाएगी और ये है उसका मेन बिल्डिंग जो आप लोगों को अभी दिख रहा है, जो कि मेन गेट है सुनहरी मस्जिद का, वो भी आप लोगों को अभी मैं दिखाऊँगा। ये है उसका मेन गेट। सुनहरी मस्जिद की बुनियाद 1942 में रखी गई थी और अगेन 1962 से लेकर 1992 तक यहाँ पर काम चलता रहा और ये रिन्यू हो गया था 50 इयर्स में। तो ऑलमोस्ट पब्लिक चैरिटी से ये पैसे जमा हुए हैं और टोटल एरिया इसका 18,000 स्क्वायर फीट है, जो कि ऑलमोस्ट 6,000 वर्शिपर एट अ टाइम यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। सुनहरी मस्जिद की मीनार 128 फीट लंबी है और रमदान में यहाँ पर फ्री इफ्तार और इवन इवनिंग की मील भी लोगों को फ्री में मिल जाता है। फ्री अफ्तार के पीछे भी एक कहानी है जो कि स्टार्ट किया था एक बंदे ने जिसका नाम मालिक अमीर है। वो लोगों के लिए फूड प्रिपेयर करता था अपने घर में और फिर मस्जिद में डोनेट करता था। उसने स्टार्ट किया कुछ ही लोगों के लिए लेकिन वो कुछ लोग फिर 300 लोगों में तब्दील हो गए। सुंदर पृथ्वी मानुष पशु पाखी सागर नदी।
सुनहरी मस्जिद में औरतों के लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाई गई थी जहां पर औरतें नमाजें अदा कर सकती थी, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से औरतों को अलाउ नहीं किया जाता था। दिन मार्च 2020 आफ्टर 23 इयर्स औरतों के लिए ये मस्जिद फिर से ओपन कर दिया गया था और यहां पर 150 तक औरतें नमाज अदा कर सकती है। ओके, तो नाउ अब हम बैग जा रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम जाएंगे मोहब्बत खान मस्जिद, तो स्टे विद अस। ये रहा मस्जिद का मीनार। मस्जिद मोहब्बत खान की तामीर का सिलसिला 1660 में शुरू हुआ था जो कि 1670 में फिनिश हुआ मुग़ल के दौर में, और कहा जाता है कि 1898 में इसको वापस रीबिल्ड कर दिया गया था। मस्जिद मोहब्बत खान का नाम एक मुग़ल गवर्नर जिसका पूरा नाम नवाब मोहम्मद खान बिन अली मर्दान खान था और ये नाम उसकी शान में रखा गया था। मस्जिद मोहब्बत खान की साइज 30,155 स्क्वायर फीट है और कहा जाता है कि सिखों के दौर में यहाँ पर हर रोज 5 आदमियों को लटका दिया जाता था। अच्छा, तो अब हम बैक कर रहे हैं और मस्जिद के लेफ़्ट साइड में आप लोगों को एक छोटा सा बाज़ार मिल जाएगा जहां पर डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। यहां पर फूड के भी डिफरेंट होटल्स है, यहां पर गर्मियों में ठंडा ठंडा लस्सी मिलती है, और आगे आप लोगों को ज्वेलरी शॉप देखने को मिल जाएगी, डिफरेंट ज्वेलरी शॉप है। अभी हम घंटाघर में मौजूद है और यहाँ पर हमने मछलियों के बारे में सुना था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मछलियाँ मिलती है, तो हमने भी ट्राई करने की कोशिश की और हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि इससे बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये अभी तैयार हो रहे हैं और हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली हमारी ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसे टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। नाउ वी आर बैक और आप लोगों ने सारे सीन देखे होंगे और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा ये व्लॉग।